नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के एपिसोड नंबर 99 में आप सबका स्वागत है। 100 एपिसोड को लेके हमारी पूरी टीम बहुत उत्साहित है। हम लोग एक नए मिशन पे काम करने वाले हैं 100वें एपिसोड के बाद में, और उसका आगाज हम लोग 100वें एपिसोड से कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पे हम लोग देखना चाहते हैं सब लोग, तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। 100वां एपिसोड आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और वैसे तो आप सबको मालूम है कि हम हर मंगलवार को रात 8 बजे आपके सामने एक नया एपिसोड लेके आते हैं, और आपकी डिमांड पे जो हमारे छोटे छोटे नॉलेज कैप्सूल आते थे उसके लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल बनाया है CWSV नॉलेज कैप्सूल। उसमें जो बड़े इंटरव्यूज के एक एक जो प्रश्न है उसको हम लोग वहां पे लेके आते हैं, उसको आप विजिट कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। CWSV एकेडमी हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उसमें हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें रहती हैं, एक वेबिनार सीरीज हमने स्टार्ट की है, वो सारी आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए आज के एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का एपिसोड हमारा डायमंड जुबली एपिसोड से पहले का एपिसोड है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड है। इसलिए हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के एक लीजेंड को इनवाइट किया है जिनका 23 साल से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। मैं पर्सनली उनका बहुत आदर और सम्मान करता हूं। सो आइए हम सब लोग मिलके स्वागत करें। उड़ीसा से आज हमारे मेहमान हैं प्रमोद आचार्य जी। बहुत स्वागत है सर आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। मगर आज मैं सबसे पहले एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं आपको जितना भी थैंक्स दूँ हर थैंक्स कम पड़ेगा। वजह है कि आप मुझे बुलाए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मगर उससे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके साथ मिला और आपकी जैसे इंसान के साथ मिला मुझे। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है ना, ये दुनिया के लिए, हमारा देश के लिए, हमारा वबा के लिए, हमारे यूथ के लिए, हम लोग का जो यूथ के लिए और हमारा देश के लिए जो आपकी कंट्रीब्यूशन है ये बहुत बड़ी है। क्योंकि यहाँ क्या होता है ना, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं मगर भटक जाते हैं, उनका समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और आपकी प्लेटफॉर्म में आप इतने बहुत बड़े बड़े लीडर को बुलाते हो, उनसे हम सबको सीखना मिलता है। ये सर बहुत बड़ी बात होती है। कोई छोटे दिल वाला इंसान कर नहीं सकते, कोई आम इंसान ये काम कर नहीं सकते। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए भी। और दूसरी बात है, मेरा ये मानना है कि आपके अगर चैनल के बारे में बात करूँ, चार्ट विद सुरेंद्र भट्स के चैनल के बारे में बात करूँ, मेरा ये मानना है पूरी हिंदुस्तान में जितने भी यूनिवर्सिटीज है उससे कई गुण बड़ा है आपकी चैनल। मैं जस्टिफाई उसको कराना चाहता हूँ। प्रैक्टिकली यूनिवर्सिटी में क्या होता है, कुछ प्रोफेसर है जिन लोग के पास एक्सपीरियंस है 20-25 साल की, उन्होंने आके पढ़ाते हैं बच्चे को, स्टूडेंट को, और स्टूडेंट लोग लाखों में खर्चा करके जाके वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, राइट। अब अगर मैं उन लोगों के बारे में थोड़ा बात करूँ, आज मुझे गर्व भी है बात बताने के लिए। एक प्रोफेसर जी जो 20-25 साल मेहनत के बाद लोगों को इतना बच्चे को पढ़ाने के बाद आज वो कमाते कितना, यही 2 लाख 3 लाख 4 लाख के बीच में कमाते हैं। और जो स्टूडेंट्स वहां पास आउट होके जाते हैं वो भी आगे चलकर अपना जिंदगी वो भी कितना कमा लेते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख। कुछ रेयर केसेस हो सकता है, अलग बात है। मगर आज मैं गर्व महसूस करता हूँ, आप जो लीडर लोग को यहाँ बुलाते हैं उन्होंने वो प्रोफेसर लोगों से कई हजार गुण बड़े हैं। वजह यह है कि उन्होंने खुद 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख और करोड़ रुपए कमाते। और हमारे जैसे लोगों के लिए हम लोग तो बहुत, हम सब उनसे सब सीखे हैं। और आपकी जरिए, आप जरिए बने कि उन लोग यहाँ लाना और हम लोग को सिखाना। और ये भी सच है, ये सच है कि बहुत सारे लोग अभी हिंदुस्तान में ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और उसका पावर के बारे में उनको पता भी नहीं है। और मैं आज में वो सब लीडर को, मुझसे पहले आई थिंक दिस इज एपिसोड नंबर 99, मेरे पहले जो 98 लोग जो लीडर गए हैं उनके साथ साथ मैं आपको भी बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ, थैंक्स दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि आप लोग की वजह से ये हिंदुस्तान में लोगों की जिंदगी बदलता है। एक आम इंसान अमीर बन जाता है, एक इंसान अपना परिवार की में खुशी लाता है, और एक इंसान का फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं। अगर आप लोग, हम सब डायरेक्ट माने IAS अफसर ही होते तो एक आम इंसान को इतना मौका नहीं देते कि लाखों में कमाने के लिए। अगर डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, फिर भी ये मौका हमको नहीं मिलता कि लोगों को लाखपति बनाना, करोड़पति बनाना और अमीर बनाना। और बहुत बहुत शुक्रिया। पर्सनली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड फॉर यू एंड और मैं हाईली ये क्या बताऊं आपको एग्जैक्टली वो वार्ड, तो इतना बड़ी वार्ड मेरे दिमाग में नहीं आता है, बस यही बताऊं, यही आपको बताना चाहता हूं। सच में आप बहुत बड़े काम करते हो, मैं आपको प्रणाम करता हूं, हर लीडर को प्रणाम करता हूं। सो थैंक यू सो मच। भगवान करे आपकी जिंदगी में बहुत खुशी मिले, आपके चैनल को और बहुत कामयाबी मिले। थैंक यू सुरेंद्र जी। थैंक यू सो मच सर, आपकी भावनाओं के लिए और आपके इमोशन हम सब लोग पहचान पा रहे हैं सर, समझ पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और मेरा पर्सनली ये मानना है सर, हमने अगर हम ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन तक हम लोग बहुत सारे टीचर से हमने पढ़ाई किया है। नर्सरी में अलग था, फर्स्ट स्टैंडर्ड में दूसरा आ गया, फिर जब हम लोग 6th क्लास में गए तो फिर 7 अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर आ गए, फिर यूनिवर्सिटी में अलग आ गए, ट्यूशन अलग पढ़ा। तो ग्रेजुएशन तक हम लोग 50-60 टीचर से कम हम लोग पढ़ लेते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग तो एक बहुत बड़ा एक विस्तृत सब्जेक्ट है, तो इसमें हमें हमारी अपलाइन के अलावा दूसरे लोगों से भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं और आपने उस पर मोहर लगा के आज हमारा हौसला बढ़ा दिया सर। थैंक यू सो मच। हम लोग आगे बढ़े सर, उससे पहले आपके बारे में जो व्यूअर्स ने कुछ लिखे हैं, कमेंट्स किए हैं, वो मैं पढ़ना चाहता हूं। पवित्र बोरा ने लिखा है, लीजेंड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड ए मैन विद गोल्डन हार्ट। रुपेश पांचाल लिखते हैं, प्रमोद सर मैन विद प्योर हार्ट। अनस्टॉपेबल टीम लिखते हैं, वन ऑफ द ग्रेट लीडर इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। नरेंद्र राणा ने लिखा है, नेटवर्क मार्केटिंग के भीष्म पितामह में। और मयूरी ने लिखा है, वेटिंग फॉर महागुरु। आपकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है सर। मेरे तरफ से उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना बड़ा डेजिग्नेशन देते हो, इतना मेरे को रेस्पेक्ट करते हो। रियली मैं उतना आभारी, माने मैं तो आप लोग के पास आभारी हूँ। उतना क्वालिटी मेरा पास है या नहीं है मैं नहीं जानता। अगर मैं आपके पास मेरा इमेज हुए है तो भगवान की दया है। और मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं और आपकी बैकग्राउंड के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे सर। या मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरा पिताजी एक इंजीनियर थे, वो चाहते थे कि मैं कैसे उनकी तरह इंजीनियर बनूं, और मैं भी चाहता था। मगर मेरा जिंदगी में क्लास 8 में ऐसे कुछ घटना घटा, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना नहीं है। क्योंकि हमारा परिवार में क्या होता है, मैं घर के सबसे बड़ा बेटा हूँ, मेरे नीचे 8 बहनें, हम लोग का जमीन जायदाद कुछ नहीं है। जब मैं 13 साल उम्र में था, मेरा समझ में आ गया था कि मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है। और वो टाइम में मैंने क्लास 8 में डिसाइड किया कि मुझे पढ़ना नहीं है और मुझे बिजनेस करना है और 30,000 रुपये कमाना है मंथली। तो मेरा पिताजी का इनकम भी था शायद मे बी लेस देन 2000। तो फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट चला गया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएट बना, मगर सच यही कि मैं मैट्रिक में कॉपी करके पास किया, इंटरमीडिएट में कॉपी करके पास किया, फिर ग्रेजुएशन में भी कॉपी करके पास किया। और यह था मेरा पढ़ाई का कैरियर। और अफसोस है कि मैं अच्छा से पढ़ नहीं सका। कोई बात नहीं, फिर मैंने अपनी मर्जी से शादी किया मेरे क्लासमेट के साथ। और रातों रात अमीर बनने का चक्कर में मैं जो बिजनेस शुरू किया, और मेरे गलती की वजह से, मेरा लालच की वजह से मैं पहला बिजनेस में फंस गया। और 37 साल पहले मैं बहुत बड़ी कर्जा में फंस गया। पता नहीं आप लोग कभी कर्जा किए होंगे, नहीं किए होंगे, मगर एक कर्जा को चुकाने के लिए दूसरी कर्जा करना पड़ता है, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरी कर्जा करना पड़ता है। इस तरह मैं फंसते चला और मेरा जिंदगी की हालत इतना बुरा हो गया भैया कि यही समझ लीजिए कि दुख, दर्द, गरीबी, अपमान, बेइज्जत, 2.5 दिन की भूखा रहना, राइट। और पास में जब एक मर्द की पैसा नहीं होता ना, कैसे उनका सर झुक जाता है और कैसे तकलीफ में लोगों को जिंदगी बिताना पड़ता है, ये सब मैं महसूस किया खुद। और मेरा जिंदगी के लिए उससे वरदान था, तो अब लगता था बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मगर उनसे मैं जो सीखा ना, अगर मैं करोड़ की भी खर्चा करता तो इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं होता। वो दिन का प्रॉब्लम आज मुझे पता चला कि वो मेरे लिए वरदान था, सब कुछ मुझे सिखा के गया। और जब जिंदगी बुरा वक्त चलता था, मैं एक दिन सुसाइड करने के लिए डिसाइड किया था, अटेम्प्ट भी किया, पर सुसाइड कर नहीं सका। फिर वापस आया कि मैंने LIC एजेंसी शुरू किया, क्योंकि तब फ्री में सब होने वाला था वो LIC एजेंसी। और उसके साथ साथ वहाँ भी बहुत बढ़िया किया, बट प्रॉब्लम हुआ इनकम उतना नहीं आता था। तो मैंने फिर रात को एक फास्ट फूड बिजनेस चलाया, बहुत वहाँ काम किया, वो भी बहुत अच्छा चला। और मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं कॉम्पिटिशन की वजह से मेरा बिजनेस भी फिर गिरा। और मैंने रोज 15 से 16 घंटा मेहनत करता था और कमाता था सिर्फ 17 से 18 हज़ार रुपया। और मेरा परिवार के जो बड़न था ना, 8 बहनें, उनका पढ़ाना, शादी करना, मेरा बच्चे, उनका पढ़ाना, शादी करना, मैं कैलकुलेट किया अगर मैं मंथली 56,000 रुपया कमाऊंगा तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैंने अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहा था। और एक दिन क्या था, LIC पॉलिसी बेचने के लिए वहाँ के इंसान के साथ मुलाकात हुआ, और वो सार की कहना था कि एक बढ़िया बिजनेस से अगर तुम पार्ट टाइम में करेगा तो लाखों में कमा सकते हो। मगर उनका बातों को सुन के मुझे लगा कि ये आदमी अपनी मतलब की बात करता है, ये पॉसिबल नहीं है कि पार्ट टाइम काम कर लाखों की इनकम करना। तो मैं रिजेक्ट किया। मैं मन में सोचा छोड़ो यार, उसको बोलने दो, मैं मेरा पॉलिसी करके चला जाऊंगा, मुझे 50 से 100 रुपया कमीशन मिलेगा, ये सोच के मैं समझा रहा हूँ। फिर वो बोला कि सर आप ही लाखों में कमा सकते हो। एक्चुअल दैट पर्टिकुलर सेंटेंस ना वो मेरा दिल तक पहुंचा। तो मैं फिर डिटेल्स समझने के लिए मैं तैयार हो गया। जब डिटेल्स में समझा, ऑन द स्पॉट आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। और दिन ये थे साहब, मेरा सब टीम के लीडर जानते हैं, मैं 3 दिन तक खुशी में मैं सो नहीं सका। 72 आवर्स एक सेकंड के लिए मैं नहीं सोया था। और मुझे यही लगा कि डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल इन माई लाइफ। मगर 3 दिन नहीं सोने के बाद मेरा जो बात करने का थोड़ा चेंज चांज हो गया। मेरा बीबी को लगा कि ये पैसा के लिए पागल हो गया। आखिर में मेरा बीबी को प्रूफ देना पड़ा कि देखो तेरा नाम यही है, मेरा नाम यही है, ये मेरा बेटा बेटी है, तू मेरी बीबी है। ये सब बताने के बाद वो बिलीव किया कि मुझे पागल नहीं हुआ। तो मैं इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था। और ये बताऊं कि वो दिन था मेरा जिंदगी टर्निंग पॉइंट। भैया मैं आज जो भी हूँ, नाम कमाया, पैसा कमाया, जो भी मैं अचीव किया, सब कुछ सही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए। और वो दिन था मेरा जिंदगी बहुत टर्निंग पॉइंट। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत नसीब वाला हूँ कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम करते प्रोफेशन में काम करता हूँ। आज मैं गर्व भी महसूस करता हूँ बताने के लिए कि मैं एक नेटवर्कर हूँ, मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ। बस यही मेरा जर्नी था नेटवर्क मार्केटिंग आने से पहले। और ये भी था कि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बता दूँ कि ये मेरा 33 नंबर बिजनेस है। मैं इससे पहले 32 नंबर बिजनेस में फेल हो चुका था, राइट। तो वो जो फेल हुआ था वहाँ मुझे जो तजुर्बा मिला था वो मेरे लिए बहुत दुआ होके वरदान होके निकला। बस यही आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपकी स्टोरी से देखिए हम 2-3 चीजें ले सकते हैं। पहली चीज ये कि अगर हमने ज्यादा एजुकेशन नहीं लिया है तो वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते जिंदगी में। वो लोग आपसे इंस्पायर हो सकते हैं। और जो लोग बार बार कई सारे बिजनेस अब तक कर चुके हैं, कामयाब नहीं हुए हैं, वो आपसे इंस्पायर हो सकते हैं कि पहले 32 बिजनेस में असफल होने के बावजूद जो मुकाम हासिल नहीं हुआ था वो इकलौता डायरेक्ट सेलिंग में हो सकता है। और जो लोग निराश हैं जिंदगी से वो आपसे इंस्पायर हो सकते हैं कि आप ऐसे लेवल पे थे कि सुसाइड करने की पोजीशन में थी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं आचार्य सर, मेरा ऐसा मानना है। हमने सूर्या सिन्हा जी को इन्वाइट किया था और उनका जो एपिसोड है हमने लिया, उसका टाइटल ही रखा हमने सुसाइड से सक्सेस तक का सफर। तो सिन्हा जी की भी वैसी स्टोरी थी, आपकी भी वैसी स्टोरी है। और कहीं ना कहीं हर डायरेक्ट सेलर की, कामयाब डायरेक्ट सेलर की ऐसी ही स्टोरी है। वो बहुत टफ टाइम से गुजरा है। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप आए सर, और आप कितना टाइम से हैं डायरेक्ट सेलिंग में? शायद 23 साल से हैं और एक ही कंपनी के साथ एसोसिएटेड है। हाँ, 23 साल से एक ही कंपनी के साथ हूँ। दैट्स ग्रेट सर। एक प्रश्न आया है इसी से संबंधित, और प्रश्न है पूरन KRS का। आप 23 साल से एक ही कंपनी में कैसे रुके रहे? हम इतना लंबा विजन कैसे बनाएं? बीच में ऑफर नहीं आया क्या कि मेरी गाड़ी में बैठ जा? या बहुत बार ऑफर आया था। मैं तो बताऊंगा कि मैं कैसे रुका, क्यों रुका, बताऊंगा। और उससे पहले की कहानी बताना चाहता हूँ, और मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ। मैं 2 बार डिसाइड किया था कि ये कंपनी छोड़ दूंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं कंपनी का जो प्लान था मैं काम किया, और 8 महीना कंप्लीट होते होते मैंने फॉरेन ट्रिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। और तब तक 8 महीने के बीच में भुवनेश्वर से मेरा जो 3-4 ऑफलाइन थे काम छोड़ दिए थे। तो मेरा जो मन में सवाल था मैं पूछना चाहता था, मगर जिनको पूछता था, कोई मैनेजर आते थे पूछता था, उसका सही जवाब सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई मुझे नहीं मिलता था। मेरा मन में यही सवाल था, अगर हमारा कंपनी बढ़िया है, अगर हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, तो इतने सारे लोग क्यों प्रोडक्ट परचेस नहीं करते? और इतने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग क्यों ज्वाइन भी नहीं करते नेटवर्क मार्केटिंग में? तो फिर मैंने क्या क्या ना, सवाल का जवाब नहीं मिला। मेरा 2 फ्रंटलाइन थे, मैं उन दोनों को बुलाया, और बड़े बड़े लीडर थे तब। बोला कि मैं छोड़ दूंगा, तुम लोग करना है करो, मैं छोड़ दूंगा। वो बोले क्यों? मैं बोला मेरा सवाल की जवाब नहीं मिलता है। तो उनको फिर बताया कि चलो हमारा रीजनल ऑफिस कोलकाता में, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ भी गया, जो मैनेजर लोग को सवाल पूछा, मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे नहीं सके। और हमारे नेटवर्कर थे, नेटवर्कर लीडर, वो मुझे बताया कि 80-20 रूल के बारे में मुझे बताया। तब समझ में आया कि हर आदमी काम नहीं करेंगे। और दूसरी बात मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हमारा कोलकाता ऑफिस में मैं देखा कि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं। मैं कम से कम 10-12 लोगों को पूछा कि भैया प्रोडक्ट आप क्या करते हो? ना मैं यूज़ करता हूँ, क्वालिटी बढ़िया है, फिर कुछ कुछ प्रोडक्ट में शेयर करता हूँ मार्केट में। तो ये सब देखने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं फिर आके काम करने लगा। और सेकेंड टाइम और एक बार आया था, उसका 2-3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद आया था कि ये एक बाइनरी कंपनी के लिए बहुत सारे लोग छोड़ के जाते थे कि उन लोग की मानना था कि 2 लेग में बहुत पैसा आ जाएगा, रातों रात अमीर बन जाएंगे। और लोगों तो मेरा टीम के लोग तो छोड़ के चला गए और मेरे अपलाइन ऐसे कुल मिलाकर मेरे 12 अपलाइन काम छोड़ दिए, मेरा 12 अपलाइन दे क्विट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो डाउनलाइन छोड़ना ठीक है मगर अपलाइन छोड़ेंगे तो हिम्मत तो टूटेगा ही टूटेगा। तो फिर मैंने मेरा समझ में नहीं है मैं क्या करूं, और आज मैं गर्व के साथ बताना चाहता हूँ कि दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का बहुत एजुकेशन अमेरिकन कंपनी है, उसका एजुकेशन सिस्टम बहुत पक्की है। मैं फिर उनका कैसेट सुना, बहुत कैसेट उनका सुना हूँ और मैंने कैसेट से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मोटिवेटेड हुआ। और उसके बाद वो लीडर को भी थैंक्स देना चाहता हूँ जिन्होंने सब कैसेट बनाए थे, वो कंपनी को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। मैं देखा कि उन्होंने अगर करते तो हमारा कंपनी भी आगे बढ़ेगा। और जो 12 अपलाइन छोड़ने के बाद फिर मेरा 2 अपलाइन बचे। अगर मुझे आप इजाजत देंगे तो मैं 2 अपलाइन का नाम ले सकता हूँ सर? अगर इजाजत मुझे देंगे मेरा जो 2 अपलाइन बचे जिन्होंने मुझे मोटिवेट किए, आज मुझे गर्व महसूस होता है कि उनका नाम बताने के लिए, ये कि रश्मि एंड धीमंत कापड़े अपना मुंबई। और मेरा जो टॉप अपलाइन है, मेरी गुरु, मेरी मेंटर, मेरी इंस्पिरेशन, जो हिंदुस्तान में उन्हें सब बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी ऑल नेटवर्कर जानते हैं उनको, उनकी नाम है डॉक्टर सुरेखा हरगोबजी। तो उन्होंने मुझे इतना ट्रेंड कराए तो मेरा माइंड सेट कंप्लीटली चेंज हो गया और मैं सच में दोनों के पास बहुत शुक्रगुजार हूँ। और उसके बाद 3rd टाइम मेरा माइंड में एक डिप्रेशन आया था और छोड़ने के लिए नहीं सोचा था, डिप्रेशन आया था। वो डिप्रेशन क्या था कि हमारा कंपनी के बड़े बड़े लीडर हमारे कंपनी से छोड़ के जाते हैं दूसरे कंपनी। वो बहुत अच्छे लीडर थे, जब वे छोड़ के गए उनका कोई गलती नहीं था और वो छोड़ के जाना भी नहीं चाहते थे। उस टाइम में बहुत डिप्रेस था और उन्होंने जो मेरा एक दोस्त था वो जाके दूसरे कंपनी आज टॉप अर्नर है, वो भी आज कमाते हैं, करोड़ों में कमाता है। तो सच यही था कि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे कोई मुसीबत आ जाता है, कोई लीडर की कुछ गलती नहीं होता है, जिन्होंने भी छोड़ के जाते हैं दूसरा कंपनी के लिए उनका कोई गलती नहीं, एक सिचुएशन ऐसे हो जाता है लोगों ने छोड़ के चला जाता है। मगर उन्हें जब से छोड़ के चला गया, अभी हिंदुस्तान में हम लोग बचे 6-7 लीडर बचे टॉप लीडर में। तो मेरा साथ ये हुआ, मैं दिमाग में यही सोचा कि हमारा कंपनी बहुत बढ़िया है। प्रॉब्लम यह था कि फॉरेनर लोग आके हमारा कंपनी चलाते थे तो वो इंडियन मेंटालिटी ना समझ में नहीं आता था, मगर हमारा कंपनी के मालिक करोड़ों में इन्वेस्ट करते थे और हम लोग की ओर भरोसा करके, हम लोग जो 4-5 लीडर थे हम लोग की ओर भरोसा करके तो करोड़ों में स्पेंड करते थे। तो मेरा मन को यही आया जो कंपनी के मालिक जिसका दिल इतना बड़ा है, जो इतना करते हैं हमारे लिए, उनका साथ में धोखाबाजी कर नहीं सकता हूँ। चाहे मैं जिंदगी में अमीर बनूं, गरीब रहूं, जो भी होगा, मैं कंपनी छोड़ के नहीं जाऊंगा, कभी जिंदगी में छोड़ के नहीं जाऊंगा। और मैं खुद को प्रूव कराऊंगा कि हाँ मैं कंपनी के लिए कुछ कर सका। मैं मेरा अपलाइन के साथ शेयर किया था, वो दिन जरूर आएगा एक दिन जो हमारा कंपनी का जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना, मेरा ग्रुप की सेल्स से होगा और भगवान की दया से आज वो पूरा भी हो गया होगा, राइट। तो मेरा क्या बताऊं, मेरा वैल्यू सिस्टम यही बोला, मेरा एथिक्स, मेरा ऑनेस्टी यही बोला कि मैं धोखाबाजी नहीं करूंगा। जो हमारे ऊपर भरोसा करके छोड़ के इतना पैसा लगा देते हैं, मैं उनका धोखाबाजी कभी नहीं करूंगा, चाहे मेरा कितना भी बुरा हो जाए। और कुछ लोग अगर जो कंपनी छोड़ के जाते हैं ना, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अभी कंपनी आपके लिए क्या करते बड़ी बात नहीं है, अभी आपको यह सोचना है कि आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। खुद को प्रूव करना है आपको कि यस यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर कंपनी। तो मेरा यही सोचता, यही मेरा माइंड सेटिंग था जिसके लिए मैं छोड़ के नहीं गया। और मेरा विश्वास भी था एक ना एक दिन जिंदगी बनेगा, अगर सपना सच होता है ना। कंपनी बड़ी बात नहीं है, खुद को अंदर में अगर बदलाव आप लाएंगे तो सपना पूरा होगा और कामयाब बन के भी रहेंगे। यही था मेरा माइंड सेटिंग। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपकी स्टोरी का एक जो सेंटेंस है वो इंस्पायरिंग है, उसमें एजुकेशन है अपने आप में बहुत बड़ी। और मैं आपकी इस वार्तालाप से ये समझ पाया हूँ कि अगर हम एक सही कंपनी में हैं तो आप परवाह मत कीजिए कि अपलाइन छोड़ के जा रहे हैं, डाउनलाइन छोड़ के जा रहे हैं। अगर आप रुके रहते हैं और इस एटीट्यूड के साथ में रुके रहते हैं कि कंपनी ने मुझे बहुत कुछ दिया, अब मैं कंपनी को कुछ देना चाहता हूँ, मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो फिर वो फीलिंग बहुत बड़ा करवाती है। वंडरफुल सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूअर भी जानना चाहेंगे, 23 साल तक एक साथ रुके रहने से अचीवमेंट क्या क्या मिलता है सर? सर मैं बताया कि मैं आज जो हूँ ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए हूँ, मेरा औकात था वही 30-40-50 लाख कमाना या 1 लाख तक कमाना, जहाँ भी होता मैं 1 लाख तक जाता। आज मैं 7 गाड़ी बनाया इंक्लूडिंग 1 क्लास मर्सिडीज, 22 बार में फॉरेन गया और मेरा लास्ट मंथ की इनकम था 42,47,000 मेरा परिवार की इनकम था। तो बस मान सम्मान मिला, लोगों की खुशियाँ मिला। और ये सबसे बड़ी बात है कि जो इंसान मुझे बिजनेस दिए थे ये तो छोड़ के चला गया, कोई बात नहीं, मगर उनकी मुंह से एक सेंटेंस निकला था कि तुम लाखों में कमा सकते हो। मेरा जिंदगी तो बदला और कई हजार लोगों की जिंदगी बदल गया। तो इंडस्ट्री की इतना पावर ना, इंडस्ट्री लोगों के लिए इतना देगा ना। अभी मैं नहीं, मेरे तरह कई हिंदुस्तान में हर कंपनी में कितने बड़े बड़े लीडर हैं जिनने लाखों में कमाते, करोड़ों में कमाते साल में, राइट। सो बहुत कुछ दिया सर, बहुत कुछ। आज मैं जो हूँ वो डायरेक्ट से इंडस्ट्री के लिए हूँ। हालांकि मानता हूँ बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आता कि ये बिजनेस की पावर क्या है, मगर जितने व्यूअर से मैं आपको तो बताना चाहता हूँ, एक बार दिमाग खोल के समझ लो, एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द बिजनेस इज, हाउ द पीपल आर मेकिंग सो मच मनी। ये आपको समझना है। मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा, यही सजेस्ट करूंगा, समझ लो कि कंपनी का पावर कितना है, इंडस्ट्री की पावर कितना है। बस सर, आज मैं जो हूँ डायरेक्टर इंडस्ट्री के लिए हूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। ये पर्सनली हम लोग इसलिए जानना चाह रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जल्दी कमाना चाहते हैं, वो कंपनियां बदलते रहते हैं। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ये एक जगह रुकने का, टिकने का, चीजों को सीखने का, अपनी कुछ वैल्यू बनाने का, अपनी रेपो बिल्ड करने का बिजनेस है। और जनरली हम पैसे की और अचीवमेंट की बात नहीं करते, लेकिन आप कि एक रोल मॉडल है उस रूप में कि अगर एक जगह स्थिर रह के काम किया जाए तो किस प्रकार की लाइफस्टाइल और किस प्रकार की इनकम मिल सकती है। वंडरफुल सर, एक प्रश्न है और बहुत बड़ा प्रश्न है, सही कंपनी कैसे चुने? आपका तजुर्बा है, आपने बहुत सारी कंपनियां देखी, बहुत सारे प्लान देखे, बहुत सारे लोगों से आप मिले हैं। अगर एक डायरेक्ट सेलर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, वो कैसे चुनाव करे कि ये कंपनी सही है? और कोई अगर ऑलरेडी कंपनी में है, वो अगर चेक करना चाहिए कि मेरी कंपनी सही है या नहीं है, क्या पैरामीटर्स हैं सर? देखिए, ये जवाब देने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब ज्वाइन किया था मैं क्या चेक किया था। मैंने चेक तो किया जरूर कि पहले कंपनी को चेक करने से पहले मैं पहले इंडस्ट्री को चेक किया कि ये इंडस्ट्री कैसे चलता है। हमारा कंपनी का एक मैनुअल था, लिखा गया था कि इंडस्ट्री के बारे में तो पूरी दुनिया में कैसे चलता है। तब मेरा कॉन्फिडेंस आया था। फिर जब कंपनी का देखा, मैंने पहले प्रोफाइल देखा। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ, अगर कंपनी चुनते हो ना कि प्रोफाइल देख लो। दूसरी बात आपको देखना है कि वो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या है, क्वालिटी क्या है, वो भी आपको देखना है। प्रोडक्ट की रेंज भी आपको देखना है। फिर उसके बाद आपको समझना है कि मार्केटिंग प्लान क्या है। जो मार्केटिंग प्लान में ज्यादा उड़थ लेके पैसा कमाना होता है ना, ज्यादा लोगों से स्पॉन्सर पैसा कमाना होता है, मुझे लगता है कि वो कंपनी स्टेबल कंपनी है। आजकल तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने के लिए तो प्रोडक्ट भी सही होना चाहिए और अफोर्डेबिलिटी भी होना चाहिए। और उसके बाद देखना चाहिए कि वो कंपनी का सक्सेस स्टोरीज क्या है और एजुकेशन सिस्टम क्या है। और उसके बाद ये भी देखना है आपको कि कंपनी का मालिक जो चलाते हैं ना, कंपनी का जो मैनेजमेंट चलाते हैं ना, उन लोग की सोच क्या है। अगर ये सब चीज क्लैरिटी आ जाते तो आपको आंख बंद करके जो आपका दिल कहेगा ना, यही कंपनी में सब कुछ है, उसको ज्वाइन करना चाहिए। और मैं आपको जरूर ये भी बताऊंगा, जल्दीबाजी में कोई कंपनी में ज्वाइन मत करो, क्योंकि मैं आप प्रैक्टिकल बात बताना चाहता हूँ। जब हम लोग जाते हैं सब्जी खरीद करने के लिए, एक बैंगन खरीद करने के लिए, एक बैंगन की कीमत होता है 5-10 रुपया। एक बैंगन खरीद करने के लिए हम लोग बैंगन को घुमा फिरा के देखते हैं कहीं कीड़ा लगा नहीं। तो यानी करो बैंगन खरीद करने के लिए हम लोग इतना चेक करते, घुमा फिरा के देखते हैं। तो कंपनी चूज करने के लिए और जिंदगी बनाने के लिए थोड़ा टाइम निकाल के आपको देखना चाहिए। यही है पैरामीटर मेरे हिसाब से। वंडरफुल सर, दैट्स ग्रेट। आपने बताया कि कंपनी की प्रोफाइल देखिए, प्रोडक्ट देखिए और कंपनी के ओनर्स की इंटेंशन देखिए। और आपने कहा कि जो विड्थ वाला प्लान है वो बेटर है आपके अनुसार। और सक्सेस स्टोरी देख लीजिए, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम वहाँ का देखिए। वंडरफुल, ये पैरामीटर्स हैं। और आचार्य जी, हम लोगों ने भी, हमारे पास एक्चुअली बहुत सारे प्रश्न आते थे कि हम डायरेक्ट सेलिंग के प्रॉपर एजुकेशन लेना चाहते हैं और वो प्रॉपर एक सीक्वेंस में एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो हमने सर एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो उसमें हम डायरेक्ट सेलिंग की A से लेके Z तक सारी की सारी चीजें हम लोग कवर कर रहे हैं। और पहला एपिसोड हमने 7 दिसंबर को किया था। सेकेंड एपिसोड हम लोग 3 जनवरी को कर रहे हैं। और पहले एपिसोड में हमारा जो टॉपिक था ना सर, वो था विजन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया। हमने 2.5 घंटे तक बातचीत किया, सिर्फ विजन को लेके, डाटाज की बात की, इंटरनेशनल डाटाज की बातचीत की, इंडिया में क्या चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग में उसकी बातचीत की। और जो दूसरा हमारा टॉपिक है सर, मैं आपसे कुछ ज्ञान लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये प्रश्न स्पेशली किया। हमारा दूसरा टॉपिक है जो हम 3 जनवरी को लेके आ रहे हैं, वो है क्या आप सही कंपनी में हैं? अगर सही कंपनी के पैरामीटर्स क्या हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, गाइडलाइंस को वो फॉलो कर रही नहीं कर रही है, बहुत डिटेल में 2 घंटे उसमें बातचीत करने वाले हैं। और वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी जो एक ऐप है चैट विद सुरेंद्र वत्स की ऐप, उस पर सारी की सारी वो उपलब्ध रहती है। सो थैंक यू सो मच फॉर यूर विजडम सर, आपने जो एजुकेशन हमें दी पर्टिकुलर इस पॉइंट पे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने सर देखिए आज आपके पास में बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत सारे लोगों को आपने क्रिएट किया है। डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग गोल सेटिंग की बहुत बात करते हैं कि गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गोल सेट हम लोग कैसे करें और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है सर? ओके, गोल सेटिंग के बारे में इतना बताना मैं चाहता हूँ कि गोल सेटिंग करने से हर काम करने के लिए गोल सेटिंग तो जरूरत पड़ता है, मगर उससे पहले की बात बताना चाहता हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज है जिसके लिए लोगों ने गोल सेट नहीं करते और ऑटोमेटिक हो जाते। यू टेक एन एग्जांपल, माने कोई मोटा आदमी है और उसका पेट निकला हुआ है, वो कभी जिंदगी में गोल सेट किया नहीं होगा कि मेरा इतना बड़ा पेट होगा, मुझे खराब लगेगा, मुझे चलना मुश्किल होगा, कभी वो गोल सेट किया नहीं होगा। मगर उसका पेट कैसे इतना बड़ा बढ़ गया, मगर उसे ऐसे कुछ एक्शन लिया, वो ऐसे कुछ एक्शन लिया, एक्सरसाइज नहीं किया, ज्यादा खाना खाया, मेहनत नहीं किया। तो आपको गोल सेट टॉपिक को जाने से पहले पहले ये समझना है कि आपको एक्शन लेना है। अगर आप एक्शन लेंगे तो आप जाके आपका गोल सेटिंग फुलफिल हो सकता है। और गोल सेटिंग के बारे में ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने जब ये गोल सेटिंग के बारे में मैंने सीखा था कई साल पहले, जब मैं सीखा था मैं यही सीखा था कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी जिंदगी में क्या क्या तकलीफ है, क्या क्या तकलीफ है आपका जिंदगी में, और कहाँ आप जाना चाहते हो, कौन सा सॉल्यूशन आप ढूंढना चाहते हो। अगर ये दो चीज की क्लैरिटी हो गई आपका, यू टेक एन एग्जाम्पल, मानो कि हमारा मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं होता है, या मोटरसाइकिल चेन चलाने के टाइम में क्रांक खा गया, चेन भी खा लिया, थोड़ा चलता है मगर एडजस्ट होकर चलता है। बाई नेचर ह्यूमन बींग क्या करते हैं ना, पहले एडजस्ट करता है सिचुएशन के साथ, मगर ऐसे के टाइम आता है जब देखता है कि इंसान और वो चेन और क्रांक में मोटरसाइकिल चलाना पॉसिबल नहीं है, तब वो गैरेज को जाता है और न्यू क्रांक एंड न्यू चेन डालता है। इसी तरह हम लोग का जिंदगी में होता है, हम लोग पहले ट्राई करते हैं एडजस्ट करने के लिए, और जहां एडजस्टमेंट लेवल खत्म हो जाता है तभी हम नया गोल को सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और ये वो सॉल्यूशन क्या आपको मिलेगा आपका जो प्रोफेशन में हो। अगर नहीं हो तो आंख बंद करके डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन में चुन लो। और ये सबको सजेस्ट करता हूँ कि आपका जो जिंदगी में चाहिए उसको लिखित होना चाहिए, इट शुड बी रिटन डाउन, क्योंकि मेरा टीम का सब लीडर जानते हैं हिंदुस्तान में, हमारा कंपनी का बहुत सारे लीडर्स भी जानते हैं कि मैंने ज्वाइन करने से पहले जो जो लिखा था कि मेरा 20 साल 22 साल के बाद होगा जो मैं अचीव करूंगा, वो सब कुछ मैं अचीव कर लिया। मैं आपको 2-3 चीज बताना चाहता हूँ। एक दिन था मैंने ज्वाइन करने का, 12 दिन के बाद मैं ज्वाइन किया था 1 लाख इनकम करने के लिए, और उसका 12 दिन के बाद गोल सेट किया मैं 10 लाख इनकम करूंगा, जो मेरा बिजनेस और थोड़ी समझ में आ गया, वो भी हो गया। फिर मैंने लिखा था कि जब मैं 2020 में पहुंचूंगा, यानी कि 20-22 साल के बाद जब मैं पहुंचूंगा 2020 में, मेरा इनकम आ गया 30 लाख, और एग्जैक्टली 2020 में वो भी हिट कर लिया। और मैंने लिखा था 7.5 साल पहले लिखा था मैं E-क्लास मर्सिडीज खरीद करूंगा, वो भी मैं लिखा था दिसंबर 2015 को खरीद करूंगा, ये मैं लिखा था 7.5 साल पहले, तो वो भी एग्जैक्टली दिसंबर 30 2015 कंप्लीट हुआ। और मैं लिया था 1 करोड़ सेविंग्स करने के लिए, मेरा तब 3 बैंक में मिला के टोटल सेविंग्स था 10,769 रुपया। वो टाइम में मैंने डिसाइड किया कि मैंने 1 करोड़ सेविंग करूंगा, और उसको मैं लिख दिया। अभी आज का तारीख में खुशी है बताने के लिए, अभी 3 महीने की इनकम में 1 करोड़ की सेविंग्स हो सकता है, ये भी तो आज पॉसिबल। अगर आप, हमारा दिमाग में इतना ताकत है ना, इतना ताकत है जो कि आम इंसान की समझ में नहीं है कि हम लोग जो सोचेंगे वो हो सकता है करके, राइट। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, सबसे पहले देखो आपका जरूरत क्या है, क्या पाना चाहते हो, और उसको लिखो और एक्शन लो। बिना एक्शन में कुछ नहीं होगा, कितने भी आप लिख के रख लो, बिना एक्शन में कुछ नहीं होगा। बस मैं यही बताना चाहता हूँ गोल सेटिंग के बारे में। और ये भी एड ऑन करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें, एक इंसान चाहेगा बनने के लिए, दुनिया में कोई भी ताकत उसको रोक नहीं सकता है। वो एक ना एक दिन अगर लगातार मेहनत करते रहेगा, लगातार अपना मंजिल तक पहुंचने चाहेगा, वो एक ना एक दिन कामयाब बनेगा, ये मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा जिंदगी का तजुर्बा है। That's great sir, perfect। और आप उसके एग्जाम्पल हैं कि जो जो आपने लिखा वो आपने अचीव किया। और ये बात ये कहती है कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली, केवल आप दिमाग में बनाए रहेंगे तो कमिटमेंट लेवल नहीं आएगा। और ये बात मेरी भी सुन आई आचार्य जी, और मैंने एक बुक बना रखी है, उसका मैंने नाम दिया है ड्रीम बुक। और उस ड्रीम बुक में न केवल मात्र मेरे ड्रीम है, अपितु हमारी फैमिली ड्रीम बुक है। और वो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है हम सबका, उससे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जब भी कुछ लगता है कि थोड़ी ऊर्जा कम होगी तो उसको उठाते हैं, पढ़ते हैं कि क्या क्या हमने प्लान किए हुए हैं जिंदगी के। तो वो बेहतरीन तरीके से आपने बताया सर। समय की लिमिटेशन है सर, कुछ मैं व्यूवर्स के प्रश्न लेना चाहता हूँ। और एक व्यूवर हैं शत्रुघ्न सिंह मौर्या, वो कहते हैं कि लोगों को अधिक संख्या में सेमिनार में कैसे लेके आए? लॉकडाउन के बाद में सेमिनार्स खुलेंगे तो कैसे लेके आए? लोग आते नहीं है सर। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसे होता है, मैं कई बार ये सवाल मेरा मन में भी था। और प्रैक्टिकली क्या होता है ना, ये टोटली डिपेंड करता है कि हम इन्विटेशन कैसे कर देते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, हम लोग का शादी होता है और हम लोग किसको फोन पे बोल दे कि तू आ जा मेरा शादी होता है। और दूसरा तरीका है हम लोग जाएंगे उनका घर तो जाएंगे, इन्विटेशन कार्ड देंगे और उनको इम्पोर्टेंट देंगे, उनको बताएंगे कि आप आएंगे तो मेरा कितना फायदा, मैंने उनको इम्पोर्टेंस दिलाएंगे आप कि आप मेरे लिए बहुत जरूरी है। और उनको इन्वाइट करेंगे, उनको वाइफ की इन्वाइट करेंगे, बच्चे को इन्वाइट करेंगे, अगर उन्हें कोई ड्राइवर है उनको भी इन्वाइट करके लाना है। तो सही तरीका से अगर आप इन्वाइट करते हो तो देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो आदमी आएगा। अभी सवाल नहीं कि कैसे आएगा, अभी सवाल ये है कि जो लोग आते हैं वो किस लिए आते हैं। कुछ लोग आते हैं सेमिनार को, वो जो लोग आते हैं वो किस लिए आते हैं, उनको कोई सही तरीका से बताया होगा कि तुम्हारा जिंदगी की प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन के लिए रास्ता है। और एक कोई स्पीकर आए वो बताएगा कुछ टेक्निक जो आपका जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अगर इस तरह हम लोग बात करते हैं उनके साथ, देयर इज अ लॉट ऑफ चांसेस कि वो आदमी आएगा। फिर उसके एवरेज भी है, लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अगर 10 लोग को बुलाएगा तो 2 लोग आएगा, ये भी मेरा साथ होता है, कई सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। तो उसके लिए हिम्मत नहीं हारना, बस यू कीप ऑन वॉकिंग, आप जो काम करते चलो, लोगों को बुलाते चलो और लोग आएंगे यार, लोग जरूर आएंगे। ये वादा के साथ बता सकता हूँ कि लोग जरूर आएंगे, क्योंकि लोगों ने जिंदगी बदलना चाहते और हम लोग वही प्रोफेशन के लोगों को बुलाते। तो डोंट वरी ब्रदर, आप इस तरह काम करते चलो, लोग आएंगे नहीं आएंगे, अगर उनका नसीब का अच्छा टाइम नहीं चलता होगा ना, वो आएगा नहीं उस दिन। यही सच्चाई है, राइट? दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। एक प्रश्न है, वह थोड़ा पर्सनल सा है, आप चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं। द सक्सेस ट्रायंगल ने पूछा है, प्रमोद आचार्य कितनी लेग्स पर काम करते हैं? ओके, मैं एक्चुअल में 23 साल में अराउंड मोर देन 300 लोगों को मैं डायरेक्टली स्पॉन्सर कराया था, मोर देन 300 से ज्यादा। और प्रैक्टिकल ये है कि उनमें से अराउंड 250 से ज्यादा लोग छोड़ के चला गए। अभी मेरा 42 से 44 लेग से मेरा बिजनेस आता है, 42 से 44 की लेग से मेरा बिजनेस आता है। और कुछ लोग हैं उनका नाम कटा नहीं और उन्होंने बिजनेस नहीं करते। ये करीबन चलिए अभी मेरा पास 50-60 लोग होंगे और बिजनेस आता है 42 से 44 लेग से। That's great सर। पिछले दिनों हमने सिद्धार्थ सिंह को बुलाया था तो उनसे भी यही प्रश्न पूछा गया था, तो उन्होंने बोला था शायद कोई 22 या 24 लेग वो चलाते हैं और आप 42-44 लेग चलाते हैं। और देखिए, इससे हम सब प्रेरित हो सकते हैं, हम लोग सीख सकते हैं कि इतनी सारी लेग्स को भी चलाया जा सकता है, ड्राइव किया जा सकता है, बशर्ते कि आप सीखें और सही तरीका आप जाने। वंडरफुल सर, आपने एक नया इस मंच के माध्यम से। मैं सर एक चीज आर्डन करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो लोगों के पास, लोगों को अपॉर्चुनिटी जरूरत है, हमारा काम है आज ये कंसल्टेंट, आज ये डिस्ट्रीब्यूटर, जाके उनको बताना है कि भैया जिंदगी में तुम्हारा अगर कुछ तकलीफ है वो चेंज हो सकता है, बदल सकता है तुम्हारा जिंदगी। और जिसका मर्जी होगा आएगा नहीं आएगा हमसे क्या फर्क पड़ता है। हमारा काम है लोगों के पास रोज जाके हमारा अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है और प्रोडक्ट की जो भी आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है डेमो दिखाना है और उसका भरोसा दिलाना है। जिसका आने का वो आ जाएगा, जिसका आने का वो आएगा जरूर। दैट्स ग्रेट सर। और ये तभी संभव है सर जब आप लोगों को लेके आते हैं और उनको लीडर्स बनाते हैं। तो ऐसा ही एक प्रश्न पूछा है चंपत माधवी ने, डाउनलाइन से लीडर्स कैसे क्रिएट करें, उनको लीडर्स में कैसे कन्वर्ट करें सर? वो देखिए बहुत सारे लोगों ये मानना है कि लीडर्स आर बॉर्न, कुछ लोग बोलते हैं कि लीडर्स आर मेड, मगर मेरा ये मानना है कि दुनिया की हर इंसान एक लीडर है। दुनिया की हर इंसान जो आज रिक्शा भी चलाता ना वो भी एक लीडर है, क्योंकि वो उसका परिवार भी चलाता ना, उसका लीडरशिप वो लेता है। प्रॉब्लम ये है लोगों की समझ में नहीं कि लोगों के पास क्या ताकत है, क्या ताकत है। आपको करना क्या है, आप काम करते चलो, आपका ड्यूटी परफॉर्म करके चलो और उसमें जो लीडर होगा ना वो खुद अपना परिचय देगा। वो इस तरह काम करेगा, इंडिपेंडेंट काम करेगा, वो खुद परिचय देकर वो लीडर है। बस उनका साथ मिलकर काम करना। मगर बात क्या है ना कि एक जो मानो कि क्लासरूम की मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। स्कूल में जो पढ़े थे आप सोचिए थोड़ा क्लासरूम में 40-50 बच्चे पढ़ते हैं, सेम टीचर, सेम कोर्स, सेम क्लासरूम, मगर एक बंदा वेस्टर्न पाता है, एक बंदा फर्स्ट क्लास, दूसरा आता सेकंड क्लास, दूसरा थर्ड डिवीजन, कुछ लोग फेल होते हैं, कुछ लोग मेरे तरह कॉपी करके पास करते हैं। तो टोटल डिपेंड करता है कि वो इंसान चाहता है क्या। अगर उसका पास थोड़ी जिगर है कुछ करने के लिए, तो आपको थोड़ा उसको पॉलिश करा दो, ये बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा और आपसे भी आगे भाग के चला जाएगा। और लीडर खुद का परिचय देता है, आप ओरी होना ओरी नहीं होना कि ढूंढने के लिए, वो अपना परिचय खुद दे देंगे। राइट, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। बस वो समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि जब वो परिचय दे रहा है हम उसको समझ पाए कि यस दिस इज द ट्रू लीडर और इसके साथ मुझे लेके आगे बढ़ना है। वंडरफुल सर, अंतिम प्रश्न है और वो ये है कि कोई एक गलती जो प्रमोद आचार्य ने की और वो चाहते हैं कि लोग न करें, वो क्या है सर? क्या है ऐसी कोई गलती जो आपको रिग्रेट है कि भाई ये गलती थी, ये मैंने लाइफ में ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए था? यस सर, देखिए गलती, आप एक गलती के बारे में पूछते हैं, मैं हजार गलती, कितना गलती में क्या उसका हिसाब ही नहीं है। अगर आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर की बात बोलूं, मैं पहले बिजनेस 32 किस्म के बिजनेस में जो गलती में किया था और उनसे जो सीख मिला था, आज मैं गर्व महसूस करता हूं बताने के लिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में कोई एक भी गलती अभी तक नहीं किया, कोई एक भी गलती मैंने अभी तक नहीं किया। अगर मैं जिंदगी के बारे में बात करता हूँ, हाँ, जिस दिन मैं सुसाइड करने के लिए डिसीजन लिया था वो मैं गलत डिसीजन लेने जाता था। अगर कभी आपका जिंदगी में मुसीबत आता है ना, कभी कभी सुसाइड के लिए भूल जाना इसका बारे में, और आपको करना क्या है, करना क्या है कि आपको एक चीज में आपको हमेशा ही बोलूंगा, जिंदगी भर में मेरा टीम को यही बताना चाहता हूँ और बताऊंगा भी कि आपके पास इतना ताकत है, आप जो चाहें दोबारा बाउंस बैक कर सकते हो, आप अपना जिंदगी की यू टर्न ला सकते हो, चाहे कितना भी बुरा हालत आज क्यों ना हो। और ये भगवान की दया दोस्तों, आप सबके पास नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की पावर है आपके पीछे, तो कभी हिम्मत नहीं हारना, कभी भी आप हिम्मत नहीं हारना। बस यही बोलता हूँ कि कभी जिंदगी कोई गलत डिसीजन नहीं लेना, सही तरीका से काम करना, सही डिसीजन लेना। आज मैं गर्व महसूस करता हूँ, आज मैं जहाँ पहुंचा ना, आज मैं ये खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि जो पहुंचा, जो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में, ये 23 साल में एक भी गलती नहीं किया, एक भी गलती नहीं किया, मेरा ड्यूटी कभी खिलाफ नहीं किया मैंने। जो किया था मैं पिछले किया था, वहां से जो सीख मिला था वहां मैं काम पे लगा दिया। तो एक अच्छा इंसान बनना, सबसे पहले अच्छा इंसान बनना, किसका बुराई आपको देखना नहीं है, कोशिश करना कि सबका भला करने के लिए, सबको मदद करने के लिए। तो ऐसे करेंगे तो दोस्तों आपको देख के बहुत लोग इंस्पायर भी होंगे, राइट। और गलत कोई बड़ी चीज नहीं है, गलत हर इंसान के साथ होता है, उसके लिए इतना वरी होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि गलत करके हम लोग सीख जाते हैं। राइट सर, दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर, वंडरफुल। और कोई भी व्यक्ति अगर हमारे आस पड़ोस में अगर डिप्रेशन में है, थोड़ा सा सही महसूस नहीं कर रहा है, तो आज का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू नंबर 99, उनको हेल्प करेगा। और आपकी वाणी में जो तेज है सर, और जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप वहां से देखिए रियल हीरो कौन है। रियल हीरो वो है कि जो पहले कुछ नहीं थे और आज वो बहुत कुछ है। आज लाखों लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, उन जैसा बनना चाहते हैं, और आप उसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं सर। बहुत सारी चीजें आज आपने हम सब लोगों को सिखाई और हमारे इस एपिसोड को बेहद खास बना दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य सर। और मेरी एक कमी है सर कि जब भी कोई डायरेक्ट सेलर आ जाता है, आप जैसा बड़ा लीडर आ जाता है, तो मैं उसको छोड़ता नहीं सर, पकड़ के रखता हूं। और ऊपर वाले का शायद मेरे ऊपर में एक विशेष आशीर्वाद है। जितने भी लोग आए, मतलब हमारा ड्रीम था कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमारे शो पे आए और वो हमारे 75वें एपिसोड में आए, और उसके बाद में अब ऐसा एक रिलेशन उनसे डेवलप हो गया सर कि जब डॉक्टर बिंद्रा से बातचीत होती है तो वो आधा घंटा लंबी बातचीत होती है। हम हेम पांडे सर को लेके आए थे हमारे 50वें एपिसोड में, जो फॉर्मर सेक्रेटरी थे, तो उनसे एक ऐसा रिलेशन बन गया है कि वो हमेशा 24 घंटे तैयार रहते हैं हर प्रकार की सहायता करने के लिए। तो हम आपसे भी ये वायदा चाहते हैं सर, आपकी हर लाइन में कृतज्ञता का एक भाव था कि आपने जो कुछ इंडस्ट्री को दिया है, तो आगे भी आपकी हम लोग सेवाएं लेते रहेंगे सर, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। आप आए सर, इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं भी आपके लिए बहुत आभारी हूँ, बहुत कुछ मैं आपसे भी सीखा हूँ, आपसे इंस्पायर हुआ हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो ये थे प्रमोद आचार्य जी, जिनके पास में 23 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, एक ही कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं, और कितनी सारी अचीवमेंट उनको मिली वो बताई। और वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सही कंपनी में हैं तो इधर उधर मत भागिए, एक जगह रहिए, बहुत कुछ रिवार्ड्स आपको मिलते रहेंगे। और अगला एपिसोड हमारा 100 एपिसोड है, डायमंड जुबली एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग एक नए मिशन में हम लोग जा रहे हैं। हम 100 एपिसोड के बाद में या 100 एपिसोड से ही हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक एजुकेशन का दर्जा दिलाने के लिए टूट पड़ने वाले हैं। आपका सहयोग चाहिए। क्या सहयोग चाहिए हम लोग बातचीत करेंगे। सो 100वां एपिसोड जो आ रहा है 22 दिसंबर को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो इसको प्रमोट कीजिए। और हमारा हर एपिसोड क्विज कॉन्टेस्ट वाला एपिसोड होता है। आज के एपिसोड में आपको ध्यान से देखना है, सुनना है, सीखना है। और नीचे आपको 5 प्रश्न मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा। वो 5 प्रश्नों के अगर आप सही जवाब देंगे तो हम लकी विनर्स निकालेंगे। जो 10 लकी विनर होंगे उनको हम लोग मौका देते हैं। हमारा जो एक पेड वेबिनार सीरीज है A to Z ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, उसमें आपको फ्री एंट्री मिलेगी और आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप सबका एक बार फिर बहुत धन्यवाद। और आप सबकी वजह से हम 100वें एपिसोड में प्रवेश करने जा रहे हैं अगली बार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।